नए हैं तो सोनी रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक गिलास पानी लीजिए, एक चम्मच तेल डालें। तेल डालने से पास्ता चिपकता नहीं है, खिला खिला रहता है। पानी गर्म हो जाने के बाद उसमें पास्ता डालें। पांच से छह मिनट तक अच्छे से उबालना है। हाथ से दबाकर चेक करें कि वो अच्छे से उबला है या नहीं। अच्छे से उबल जाने के बाद प्लेट में निकाल लें। कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालें। तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट डालें, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, एक प्याज कटा हुआ, तीस चालीस ग्राम मटर, सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। दो मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। सभी अच्छे से पक जाने के बाद टमाटर डालें, आधा चम्मच नमक, वापस दो मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें, दो चम्मच पास्ता मसाला डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें उबला हुआ पास्ता डाल लें। पास्ता डालने के बाद अच्छी तरह से हिलाएं। दो चम्मच सॉस डालें। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच ऑर्गेनो, एक प्लेट में ले लीजिए और ये आपका मसालेदार पास्ता तैयार है।